अच्छा भाई, एमपीए डीटेट के लिहाज से, दोनों के लिहाज से तो फंडामेंटल और केमिस्ट्री के 5 पेपर के एमसीक्यूज करेंगे। ये जो पीडीएफ आपके सामने ओपन किया है, इसकी खासियत है कुछ, वो खासियत पहले भी बता चुका हूं। इसके अंदर 5 पेपर के जो एमसीक्यूज है उसमें एमबीकेट और ईकेट और उसकी तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी, मतलब ईकेट से रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटी, एमकेट से रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे फंडामेंटल और केमिस्ट्री में जितने भी सवाल आ चुके हैं वो सारे सवाल लिखे हैं। और आप तो देखोगे कि एक ही पैटर्न पर फोकस करते हुए हर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कर रही है। ये भी देखोगे कि कोई सवाल अगर 1998 में आया हुआ तो वही सवाल दोबारा से 2005-06 के भी अंदर आए, जो सवाल 2006-07 के अंदर आया हुआ फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर की किसी यूनिवर्सिटी में, तो वही सवाल 2012-13 के अंदर पूछा गया है किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये करते करते भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपका, वो मोल्स एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड। तो पहला सवाल है आपके पास, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन, या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स, तो पूछा गया है मॉलिक्यूल्स के बारे में कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे, जो कि बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। मास की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया इसका 1 मोल। मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं भाई, हाइड्रोजन के आपके पास है यहां पर 1 मोल, और 1 मोल के अंदर आपको बताया है कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, 6.02 × 10⁻²। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल आपका कंप्लीट। अब दूसरा सवाल देखो, इफ वी टेक 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाए 2.2 ग्राम। अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को मजीद देखो, और सी 2.2 ग्राम ऑफ CO2 6.02 × 10⁻², एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पर मास दिया है, मास से मोल्स निकाल सकते हैं, एटम्स दिए हुए, एटम्स किसके दिए हुए, 6.02 × 10⁻², एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एटम्स से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। 0.03 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। देन द मोलर रेशियो ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम्स विल बी, अब यहां पर आपके पास जो सवाल है, इस सवाल के अंदर कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के एटम्स के बारे में पूछा। लेकिन एक बड़े मजे की बात यह है कि 2.2 ग्राम दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहां पर क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मास में से या इस मास के डाटा में से फाइंड आउट करोगे किसका डाटा, कार्बन डाइऑक्साइड में से आप निकालेंगे कार्बन का डाटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास मास कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, 2.2 ग्राम। कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, 2.2 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। तो 2.2 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 22 × −1 में, 22 × 22 = 44। 1/2 का मकसद होता है 0.5, तो 0.5 से मोल की वैल्यू क्या निकलेगी, 0.5 × −1, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0.05, लिख सकता हूं ना 0.05। दैट मींस के कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए 0.05 मोल्स। कितने आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, 0.05। अब एक चीज आप देखो कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के मिलने से एक CO2 फॉर्म होता है, सही है। तो अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन भी कितने मोल होंगे, 1 मोल। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आए हैं 0.05, तो कार्बन के कितने मोल होंगे, 0.05। तो इट मींस ये कार्बन के कितने मोल हो गए, 0.05 मोल। आपको मोलर रेशियो निकालना है, मतलब मोल्स की वैल्यू का रेशियो निकालना है। अब उसके बाद देखो 6.02 × 10⁻², एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब 6.02 × 10⁻², एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा है वीडियो में नहीं यार, ठीक है। अब देखो 6.02 × 10⁻², एटम्स आपके पास दिए हैं, आपने क्या करना है इससे मोल्स निकालने। तो आपको बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, मतलब 6.02 × 10⁻²। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 23 से 21 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 2, एक्सपोनेंशियल 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट
माइनस टू हो जाएगा, वन एक्सपोनेंट माइनस टू का मतलब 0.01 लिख सकता हूँ। फिर मीन्स ये कार्बन का रेशो आया 0.05 और नाइट्रोजन का क्या आया 0.01। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बाकी आगे सॉल्व भी ना करूँ, अगर मैं आगे सॉल्व भी ना करूँ, जैसे तो नजर आ रहा है 0.03 ग्राम एटम्स मतलब 0.03 मोल दिए हुए इसके सल्फर के। अब इनको आप कैंसिल करो तो 0.0 0.0 0.0 कैंसिल, क्या बचा 5:1:3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 5:1:3 सही है। समझ आ गया 5:1:3 ये आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 हम सबको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ये भी पता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो CH4 है मीथेन, मीथेन में कार्बन होता है जिसके पास पाए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन होता है जिसके पास पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन है, दैट मींस के टोटल 4 हाइड्रोजन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 CH4 कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको कहते हैं कि मीथेन एक नहीं है, एक एटम या एक सॉरी एक मॉलिक्यूल नहीं है मीथेन का, कितनी मीथेन है 1.6 ग्राम। तो 1.6 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 1.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है 16, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.1 मोल, यही आ जाएगा ना आंसर 1.6 अपॉन 16। तो इसको चाहो तो 16 एक्सपोनेंट माइनस 1 डिवाइड बाय 16, 16 से 16 कैंसिल, 1 एक्सपोनेंट माइनस 1, 1 एक्सपोनेंट माइनस 1 का मतलब क्या होता है 0.1 मोल। अब मैंने ये कहा कि एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1.6 ग्राम मीथेन में या 0.1 मोल मीथेन में हर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबके पास, कितने होंगे बताओ, बोलो भाई। देखो कह रहा हूं कि 16 ग्राम मीथेन है, 16 ग्राम CH4 का मतलब 0.1 मोल है मीथेन आपके पास, सही है, कितनी है 0.1 मोल। हर एक मीथेन के पास 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास पूछा ये गया है कि 1.6 ग्राम मीथेन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बताओ, क्या करोगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो भाई कि एक CH4 के अंदर, एक CH4 के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। मुझे इतना बताओ कि क्या आपको ये पता लग गया कि 0.1 मोल CH4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के, नहीं पता ना भाई, ये तो पता लग गया 0.1 मोल है CH4, लेकिन आया 0.1 मोल के अंदर कितने आपके पास CH4 है, 1 2 3 4 5 कितने, तो आप क्या करोगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 कर दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोल मल्टीप्लाई बाय n करते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 22। इसका मतलब ये हो गया कि 0.1 मोल CH4 के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 22 मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। अब ये इतनी सारी मीथेन है, हर एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अंडा 10 रुपए का, तो 10 अंडे कितने हो गए होंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक अंडा 5 रुपए का, 100 अंडे कितने हो गए 100 मल्टीप्लाई बाय 5, एक मीथेन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 6.02 एक्सपोनेंट 22 मीथेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो 6.02 एक्सपोनेंट 22 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ऑप्शन हो गया इसका राइट 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद मिटा दो इसको ना, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास,
what is the volume CM3 of 3.01 exponent 23 molecules of oxygen gas at STP? वॉल्यूम पूछा है, हमें पता है कि STP का नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 DMP. अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिया, मॉलिक्यूल दिया है, हमें ये भी तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को किसके बराबर होता है गिवन मॉलिक्यूल्स. भाई ये पढ़ा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय Na के. तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू गिवन है मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे, Na से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4. और हमेशा हर हालत में एसटीपी एनटीपी आरटी की तमाम कंडीशन में नंबर ऑफ मोल बराबर होता है पार्टिकल्स अपॉन Na के. तो इस n की जगह मैं रख दूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na. तो क्या मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, जी गिवन है. कितना गिवन है, 3.01 एक्सपोनेंट 23 गिवन. कितना गिवन है, 3.01 एक्सपोनेंट, बल्कि नहीं ये तो मॉलिक्यूल्स गिवन है ना, 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल वॉल्यूम पूछा है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू है 3.01 एक्सपोनेंट 23, Na की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23. मुझसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम इन CM3, तो गिवन वॉल्यूम यहां पर निकलेगा DM3 है, इसमें निकलेगा DM3 डिवाइडेड बाय 22.4. अब 3.01 डिवाइड बाय 6.02 क्या आंसर आएगा, 1/2. 1/2 का मतलब क्या आंसर आएगा, 0.5. तो यहां पर बचा 0.5, 22.4 इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में 22.4 इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 आंसर क्या आएगा, 11.2 DM3. लेकिन 11.2 का आंसर आया है DM3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1200 CM3. सही है, 1200 CM3, ये है इसका राइट ऑप्शन. सही है, सवाल को सॉल्व करने का ये वाला फार्मूला अपनाया है. आगे चले, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला सवाल कब आया भाई, अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास NTA 2017 में, तो थोड़ा सफर कर दूं. ये हो चुका है ना, अभी जो सॉल्व किया NTA 2017 वाला, ये बात की आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो C+O2 = CO2, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन. सही है, अब 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो पहले तो मैं 8 को डिवाइड कर दूंगा 16 से, इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल. कितना आ गया, मुझसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन इज. सही है, अब मुझे क्या दिख रहा है भाई, मुझे ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन कितने मोल आ गई, मेरे पास 0.5 मोल्स आ चुके हैं. कितने मोल आ चुकी है, 0.5 मोल्स. तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी प्रोड्यूस होगी, 0.5. तो सवाल में पूछा था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज. अच्छा, अब हमने यहां पर क्या किया है, मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से ऑक्सीजन के डिवाइड किया, जिसके बाद आंसर क्या आ रहा है, 0.5. लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या मार्क हुआ है, 0.25. ऑप्शन क्या मार्क हुआ है, 0.25. अब क्यों हुआ है ऐसा, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, जो कि हर एक स्टूडेंट करेगा. हमने क्या किया है, ऑक्सीजन का हमें क्या लेना चाहिए था, यहाँ पर कार्बन किसके साथ कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ना कि एटम के साथ. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, मोलर मास 32 होता है, 16 नहीं होता. तो अगर ये 32 से मैं डिवाइड करूंगा
तो 8 4 का 32 होगा, तो 8 1 का 8, 8 4 का 32, मतलब 4 का आंसर क्या आएगा 0.25 मोल आएगा। तो 0.25 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मौजूद है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना प्रोड्यूस होगा, 0.25 मोल ही प्रोड्यूस होगा। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज 0.25 नॉट द पॉइंट, सही है। अगला सवाल है एनटीए 2019 का सवाल है बेटा, ये द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। अगेन अभी आप लोगों को मैंने दो नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूलास को कंपेयर करना सिखाया था। अब यहां पर देखिए बेटा एसटीपी की बात हो रही है, वॉल्यूम पूछ रहा है और मास दिया हुआ है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है एसटीपी पर गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 डीएम क्यूब, ये वॉल्यूम होगा यहां पर, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब अगर यहां पार्टिकल दिया होता तो मैं यहां लिख देता पार्टिकल अपॉन n, जैसे अभी हमने पहले किया था। अब यहां क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो यहां पर मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख दूंगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम दोबारा से पूछा है, पहले भी वॉल्यूम ही पूछा था। इट मींस कि अगर पास अगर सॉल्व कर लिया तो इन दोनों क्वेश्चन का आइडिया हो गया कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो जो बच्चा पहले इस सवाल को सीख चुका है तो 2019 में जब ये सवाल आया होगा तो उसको पता होगा कि उसको करना कैसे, तो उसने कंपेयर करके इजीली कर लिया। मास आपको क्या करना है, कितना दिया हुआ है 1.4 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एक नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम पर मोल, N2 का मतलब हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 28 ग्राम पर मोल, तो 1.4 डिवाइड बाय 28, हमें क्या करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 22.4। और 1.4 को मैं चाहूं तो 14 एक्सपोनेंट माइनस में लिख दूं, 14 मतलब 14 14 2 का 28 हो गया, 1 अपॉन 2 का आंसर क्या आएगा 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, क्योंकि ये डिवाइड है वहां जाकर मल्टीप्लाई, 22.4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 एक्सपोनेंट माइनस 1 आंसर आ जाएगा। 11.2 एक्सपोनेंट माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 1.12, यही आएगा ना, क्या आंसर आएगा 1.12, तो 1.12 डीएम क्यूब इज द राइट ऑप्शन। आपको कहां पर है ऑप्शन ए बी सी सी में, ठीक है भाई समझ आ गए का, आपने ये वाला फार्मूला कंपेयर किया बहुत इजीली आपने निकाल दिया, ठीक है। तो ये था एनटीए 2019 का सवाल। अब है एनटीए 2020, अब एनटीए 2020 2021 2022 23 ये सब पीएमसी वगैरह ने लिया, सबका एक जैसा मिला जुलाकर एनटीएस ने नहीं लिया, दाव ने कंडक्ट किया था, ठीक है। तो ये 200 एमसीक्यू का पहली बार जब टेस्ट हुआ था तो वो था एनटीए 2020। अब इसमें क्या सवाल आया था, अब बहुत मजे का सवाल है आगे, और सवाल क्या है देखो, सवाल ये भाई आपके पास कहीं ना वैसा 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो मास कितना दिया हुआ भाई आपके पास, नाइट्रोजन का मास है कितना बेटा 10 ग्राम, आर प्रेजेंट व्हिच वन विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो 10 ग्राम नाइट्रोजन तो 10 डिवाइड बाय 28, 10 ग्राम हाइड्रोजन 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 ग्राम ऑक्सीजन तो 10 डिवाइडेड बाय 32, व्हिच वन विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे कम इसमें एटम्स पाए जाएंगे ये बताओ। तो 10 अपॉन 28, 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 32, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एनए, ये बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ज्यादा तो एनए से मल्टीप्लाई होकर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की वैल्यू भी क्या निकलेगी ज्यादा, तो किसका आंसर यहाँ पर छोटा है क्योंकि लीस्ट पूछा है ना, 10 अपॉन 32 सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे लीस्ट निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लीस्ट निकलेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एटम्स पूछा है, तो उसकी भी वैल्यू छोटी ही मिलेगी हमें बड़ी नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाई वी सेड जो आंसर है वो क्या है ऑक्सीजन, तो उसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि तीनों का मास सेम है। अब इसमें एक चीज समझ के लिए, आपने डेटा में अगर तीन चीजों का मास दिया हो, पूछा जाए सबसे कम पार्टिकल किसमें है, तो जिसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसके पार्टिकल सबसे कम होंगे, पूछा जाए ज्यादा किसका।